अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था लीनियर मॉडल्स फॉर रिग्रेशन। आज हमारा फोकस होगा कि हम यूजिंग लीनियर मॉडल्स क्लासिफिकेशन या बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स कैसे यूज कर सकते हैं और उसके बारे में हाई लेवल डिस्कशन होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर मॉडल्स जो फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन और फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था लीनियर मॉडल्स फॉर रिग्रेशन में हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा, फिर रिज देखा, लॉसो देखा, और वहाँ पे हमारे पास जो y हम प्रेडिक्ट करते थे वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती थी और उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज कर रहे थे वो ऑलमोस्ट ये थी। लीनियर मॉडल्स फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट यही है जिसमें हमने W नॉट, W वन, W टू अप टू और W पी और बायस इन पैरामीटर्स को डाटा से लर्न करने। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आ रही होंगी Y में जिसकी जो रेंज है वो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में है, ये इसकी रेंज होगी। हम उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगाएंगे, हम देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू लेट से इस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आउटपुट कर दो वन, एल्स माइनस वन। सो अब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे इफ वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास जो क्लास आ जाएगी दैट इज वन, एल्स के केस में माइनस वन। सो हम लीनियर मॉडल्स को इस तरह थ्रेशोल्डिंग करके टू क्लास प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो लीनियर मॉडल्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर क्लासिफिकेशन और सेम फार्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि लीनियर रिग्रेशन में भी हमारे पास वेटेड सम है लेकिन कंटीन्यूअस वैल्यूज आ रही है, जबकि यहाँ पे हम थ्रेशोल्डिंग कर रहे हैं और इसको हम माइनस वन और वन पे मैप करें अगर वाई की वैल्यू ग्रेटर देन है। सो द प्रेडिक्शन रूल इज कॉमन टू ऑल लीनियर मॉडल्स फॉर क्लासिफिकेशन। सो ये प्रेडिक्शन रूल है, ये तमाम के तमाम जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं फॉर क्लासिफिकेशन, सॉरी लीनियर मॉडल्स हैं फॉर क्लासिफिकेशन उनके लिए यूज हो रहा होगा। अब देर आर मेनी डिफरेंट वेज टू फाइंड द कोफिशिएंट्स डब्ल्यू एंड इंटरसेप्ट बी। जिस तरह हमारे पास लीनियर मॉडल फॉर रिग्रेशन में डिफरेंट वेरिएशन आ रही थी, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन आ रही होंगी लीनियर मॉडल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, और उनमें वेरिएशन किस वजह से आ रही होंगी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं W और B इनको किस तरीके से लर्न किया जाता है, इनको कैसे अपडेट किया जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर मॉडल फॉर रिग्रेशन में the output y was the linear function of the features। के जब हम regression की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास जो output y है वो था linear function of the features। वो हमारे पास line भी हो सकती थी, plane भी हो सकता था और hyperplane भी हो सकता था in case of higher dimensional data set। और हम उन features को, तो अगर मेरे पास एक feature है तो मेरे पास वो line आ रही थी, सिमिलरली प्लेन और हाइपरप्लेन फॉर हाई डायमेंशनल, और उनके लिहाज से मुझे प्रेडिक्टेड वाई फाइंड करना था और वाई की जो वैल्यूज थी अगेन वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज थी। जबकि लीनियर मॉडल फॉर क्लासिफिकेशन में द डिसीजन बाउंड्री इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द इनपुट। सो रिग्रेशन में मेरे पास वाई है और क्लासिफिकेशन में डिसीजन बाउंड्री है जिसको मैंने लर्न करना, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द इनपुट। इन अदर वर्ड्स बाइनरी क्लासिफिकेशन इज अ क्लासिफायर दैट सेपरेट्स टू क्लास यूजिंग लाइन, प्लेन और हाइपरप्लेन। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम थी तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में आपके पास ये इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स है और अब आपने ऐसी लाइन लर्न करनी थी जो कि मैक्सिमम पॉइंट से क्लोज होके गुजर रही हो, जबकि क्लासिफिकेशन में ये लेफ्ट साइड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आपके पास
एक पॉइंट कुछ ये हैं और कुछ पॉइंट्स ये हैं। तो अब आपने ऐसी डिसीजन बाउंड्री लर्न करनी है जो इन दोनों क्लासेस को डिफरेंशिएट कर रही हो कि ये क्लास है और ये दूसरी क्लास है। तो अब आप देख सकते हैं कि लीनियर मॉडल फॉर क्लासिफिकेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इस तरह की डिसीजन बाउंड्री लर्न करना, और जबकि लीनियर मॉडल्स फॉर रिग्रेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसी लाइन प्रेडिक्ट करना जो कि मैक्सिमम पॉइंट से क्लोज होकर गुजर रही हो। सो होपफुली आपको काफी तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी। लास्ट जो पॉइंट है उसको अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास लीनियर मॉडल्स हैं फॉर क्लासिफिकेशन, इनको हम दो वेज से डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं। एक के किस तरह जो कोफिशियंट्स हैं वो लर्न हो रहे हैं, और सेकेंडली यूज ऑफ रेगुलराइजेशन के वहां पे जो रेगुलराइजेशन है वो किस तरीके से की जा रही है। तो इन दो पॉइंट्स के लिहाज से हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लीनियर मॉडल्स आ रहे होंगे फॉर क्लासिफिकेशन। हमारे पास लीनियर मॉडल्स आ रहे होंगे फॉर क्लासिफिकेशन, और वो किस दो बेसिस पे डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे होंगे कि इन पैरामीटर्स की लर्निंग कैसे हो रही होगी और वो अपने आपको कैसे रेगुलराइज कर रहे होंगे। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी वो लीनियर मॉडल फॉर रिग्रेशन, उन पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।